बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद नसरीन, आज मैं लेकर आई हूँ आलू पालक की सिंपल और आसान रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की है और आसान भी है, कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है। चलिए शुरू कर लेते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने ये आधी प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ले लिया। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैं प्याज डालूँगी एक, या फ्राई करेंगे अच्छे से, थोड़ा लाइट कलर आ जाए तो फिर इसमें मैंने 2 चुटकी, हाँ 1/4 टीस्पून मैंने जीरा डाल दिया। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी लेकर आती हूँ मैं। और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये ऐड करेंगे। अब इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, लहसुन अदरक और ये प्याज को ऑयल में। प्याज लहसुन अदरक इसे फ्राई हो गया, थोड़ा सॉफ्ट हो गया। अब इसमें आलू डालेंगे, आलू मैंने आधा किलो लिए थे, गोल गोल काट लिए। अब इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे 5-6 मिनट, ताकि ये थोड़े से फ्राई हो जाए, टेस्ट भी अच्छा आएगा इनमें आलू में। ये देखिए आलू अच्छी तरह फ्राई हो गए। जब तक ये आलू और मसाला चिपकने लगे उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। कितने अच्छे फ्राई हुए आलू। अब मैंने 4 टमाटर ले लिए, ये ऐड कर दूँगी। टमाटर ज़रा इसमें अच्छी तरह मैश हो जाए, घुल जाए, तो इतनी देर हम इसको पकाएंगे। साथ ही ये 3-4 5 हरी मिर्चें लिए, ये भी ऐड कर दूँगी। इसमें बहुत कम स्पाइस जाते हैं, बहुत कम मसाले जाते हैं और बहुत मज़ेदार टेस्टी बनता है ये पालक आलू। ये मेरी एक फ्रेंड की रेसिपी है, मैं तो कई तरह से बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा इनके तरीके से मुझे बहुत पसंद आया है, इनके स्टाइल का। मैंने कहा आज मैं ये बनाती हूँ अपने लिए भी और आप लोगों को भी देती हूँ रेसिपी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह भुन गई, टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए और आलू भी तकरीबन हाफ डन हो गए। अब इसमें मसाले डालूँगी, धनिया, मिर्च और नमक और सूखी हल्दी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए और धनिया मैंने 1 टेबल स्पून और हल्दी डालिए। बहुत कम स्पाइस से ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। अब इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। इसकी शक्ल लोग देखिए आप कितनी टेस्टी लग रही है अभी से। ये देखिए मैंने पालक डाल दिया इसमें, आधा किलो मैंने वो 1 किलो पालक लिया था, वो साफ वाफ करके आधा किलो रह गया। अब पक के ये बिल्कुल और कम हो जाएगा। डाल दिया मैंने और डाल के मिक्स कर रही हूँ। अभी बिल्कुल कम थोड़ा सा रह जाएगा पालक पक के। अब इसको तेज़ आंच पे मैं पकाऊंगी। इसमें पानी नहीं डालना, पालक का अपना ही पानी है, इसी से आलू भी गल जाएंगे और पालक भी पक जाएगा। देखिए काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया। अब इसको मैं कवर कर दूंगी, पूरा कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा खोल के कर देंगे कवर। और ये मेरी रेसिपी मैंने फौजिया मलिक की बनाई है, थैंक यू फौजिया। आप देख रही हैं तो बिल्कुल सेम आपकी तरह तो नहीं बनी, लेकिन मिलती जुलती मुझे बहुत पसंद आई है रेसिपी, इसलिए मैंने आज ट्राई की। और उन सबका थैंक यू जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, प्लीज़ जो मेरी रेसिपी देखें वो लाइक भी कर दिया कीजिए। ये देखिए काफ़ी हद तक पक गया सालन और आलू भी गल गए। अब इनको मैं तोड़ लूँगी इस तरह करके, बस ये डिश आउट कर लूँगी, तैयार हो गया मज़ेदार आलू पालक। ये मज़ेदार सिंपल आलू पालक तैयार है, बहुत ही मज़े का टेस्टी बना है। आप भी बनाइएगा अपने अपने घरों में। और फिर ये थी मेरी आज की डिश आलू पालक की। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, अपना अपनी फैमिली मेम्बर का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।